कि ऐसे ही बैंक निफ्टी 49,000 से गिर गया और निफ्टी 22,500 से एक अंक दूर रहकर बड़ी गिरावट में फंस गया। आप पिछला एपिसोड जरूर देखिएगा समझने के लिए हम कहां पे हैं वेव स्ट्रक्चर में। तो चलिए शुरू करते हैं आपके दोस्त और आपके होस्ट अभिषेक के साथ वेव टॉक्स के एक और रोमांचक एपिसोड की बैंक निफ्टी 800 पॉइंट्स फॉल डिड यू कैच इट एलियट वेव एनालिसिस। चलिए शुरू करते हैं। ये बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है। आप कोई भी टाइम फ्रेम ले लीजिए, 15 मिनट, आधा घंटा, एक घंटा, चार घंटा या डेली, वीकली, मंथली, टाइम फ्रेम विल नॉट चेंज द प्राइस। यू नो ये जो प्राइस लेवल है 49,000, ये क्या चेंज हो जाने वाला है अगर आप 15 मिनट का चार्ट लेंगे या एक घंटे का? अगर मैंने एक घंटे का चार्ट ले लिया तो क्या ये लेवल्स चेंज हो जाएंगे? नहीं, ये लेवल्स कभी चेंज नहीं होते। तो ये सैक्रोसैंक्ट है। किसी ने मुझसे कहा ट्विटर हैंडल पे कि यू नो 15 मिनट का चार्ट काम नहीं करता, तो जो कि यू नो मानना एकदम ही गलत है। 15 मिनट का चार्ट वो लोग यूज़ करते हैं जो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग करते हैं या उससे भी लोअर टाइम फ्रेम में, 5 मिनट, 1 मिनट, और दोज आर स्कैल्पर्स। नो, अगर आप इन्वेस्टर हैं और लॉन्ग टर्म ट्रेडर हैं तो हाँ, आप उसमें 4 घंटा डेली, वीकली, मंथली, बट बैंक निफ्टी इज नॉट समथिंग विच यू विल बी यू नो होल्डिंग फॉर डेज एंड वीक्स, राइट? तो उसके लिए बहुत ही आपको रिस्क एपेटाइट लेना पड़ेगा, बड़ा रिस्क होना, होल्ड करना पड़ेगा मार्केट में, बिकॉज मार्केट्स आर वेरी वॉलेटाइल एट दीज डेज, राइट? 15 मिनट पे ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं। तो नाउ कमिंग बैक ऑन टू आवर यस्टरडेज वीडियो आइडिया, लास्ट मॉर्निंग में जब हमने किया था 7:30 बजे, उस वीडियो में हमने बताया था कि 49,000 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। और क्या हुआ, एक छोटा सा गैप अप हुआ, 49,000 टच किया और शार्प सेल ऑफ हो गया, 800 पॉइंट की सबसे बड़ी गिरावट। आई होप आपने उसका फायदा उठाया होगा, बिकॉज हमने कहा था कि 49,000 के ऊपर ही आपको बाय करना होगा। इसका तात्पर्य होता है कि 49,000 अगर क्रॉस नहीं कर रहा है, जो कि हमारा साइकोलॉजिकल लेवल है, तो आप एक शॉर्ट ले सकते थे, सेल ले सकते थे विद दैट स्टॉप लॉस ऑफ अबव 49,000, राइट? ये वेरी लॉजिकल है। दूसरा स्टेप कैसा था, इफ यू हैव टेकन अ ट्रेंड लाइन, यू जस्ट कनेक्ट दोज हाईज हियर एंड यू विल रियलाइज कि ये हाई कनेक्टेड है, ये हाई कनेक्टेड है, ये हाई कनेक्टेड है, यू नो इट इज ऑल पासिंग। सो दिस ट्रेंड लाइन विच वी हैव यूज अर्लियर ऑल्सो इज एक्टिंग एज योर रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, रुकावट। यहाँ पे रुका है, यहाँ पे रुका है तो गिरावट हुई, यहाँ पे रुका तो गिरावट हुई, यहाँ पे रुक गया जो कि हमारा बहुत इंपॉर्टेंट लेवल, तो इसीलिए गिरावट हुई। तो इट वॉज वेरी सिंपल कि अगर 49,000 के ऊपर नहीं जा रहा है तो आपको सावधानी बरतनी होगी, और वैसा ही हुआ, एक बड़ी गिरावट हो गई। तो अब आगे क्या, सो आई हैव एन ऑल्टरनेट वेव काउंट ऑल्सो हियर। नाउ आई कैन जस्ट टेक दिस होल स्ट्रक्चर एज as W, as X, and this can be Y here. So that is my alternate wave count for here, apart from my regular wave count, which is a wedge. That is, I'm counting from here, wave 1, wave 2, and this is wave 3, this is wave 4, and this is wave 5. लाइक दिस। सो ये मेरा प्राइमरी काउंट है और वो मेरा ऑल्टरनेट काउंट है। बट अब ऑल्टरनेट काउंट क्यों लेने की जरूरत पड़ गई, क्योंकि यू नो ऐसा महसूस हो रहा है कि यहाँ पे कुछ एक ट्राइंगुलर सीक्वेंस है और यू नो ऐसा व्यतीत हो रहा है कि मार्केट, इवन दो इट इज अ शार्प करेक्शन, इट हैज हाई चांसेस दैट इट कैन यू नो वाइप आउट ऑल दीज फॉल एंड रीगेन दैट हाई ऑफ 50,000 बैक अगेन, जस्ट लुकिंग एट द स्ट्रक्चर। बट येस, इट इज टू अर्ली टू यू नो से एनीथिंग राइट अवे। वॉट आई एम जस्ट डूइंग इज आई एम जस्ट टेकिंग अ पैरेलल चैनल, ये हमारा ब्रह्मास्त्र है, कनेक्टिंग द स्टार्टिंग पॉइंट हियर एंड पासिंग फ्रॉम दैट वेरी इंपॉर्टेंट लेवल 49,000 कनेक्ट यहाँ पे, एंड देन ड्रैगिंग इट टू दैट W पॉइंट, और हम इसे एक्सटेंड कर देंगे नीचे की तरफ, राइट हैंड साइड।
Now you can just see, since you got these resistances, आपको resistance मिला यहाँ पे, you got the you know support here at the lower channel line, right? और यहीं से ये mid channel पे रुकावट आ रही है. Mid channel reversal theorem आपको मालूम है, हमने अपने episode में काफी बार discuss किया. Whenever you get a resistance at the mid channel, you have to be careful. आप देख सकते हैं mid channel पे रुकावट हुई, it had a fall. Mid channel पे रुकावट हुई, it had a fall. Mid channel पे रुकावट हुई, it had a fall, and this was a big fall here once again, which was unfolded yesterday. जब ये end हुआ day, यहाँ पे करीब and it opened gap down, वो mid चैनल पे ही रुका था. अभी भी ये मिड चैनल पे ही रुका है और हमारा मानना है कि मिड चैनल को क्रॉस करना पड़ेगा तभी ये ऊपर जाएगा. आगे क्या, आगे हमें ऐसा लगता है एक छोटी डिग्री पे, बहुत ही छोटी डिग्री पे दिस हैज फॉर्मड एज वन एंड दिस कुड बी टू. अब हमें देखना है ये क्या करता है. अगर ये तो वर्टिकली रैली करता है एंड गैप अप होता है बड़ा, तो ये वेव थ्री होगा एंड देन इट कैन कम बैक इनटू वेव फोर एंड वेव फाइव. समथिंग लाइक दिस माइट अनफोल्ड फॉर अ बैंक निफ्टी. तो आपको ध्यान देना होगा इसका कि ये कैसे अनफोल्ड हो रहा है. मोस्टली व्हाट आई हैव सजेस्टेड टुडे ऑन माय ट्विटर हैंडल वाज दैट कि 48,171 जब तक क्रॉस नहीं करेगा तब तक आप लॉन्ग नहीं होंगे. हमारा ट्वीट कितने बजे का गया हुआ है, ये मैंने ये अपडेट किया था ट्वीट करीब करीब 5 घंटे पहले 12:40 पर, जब चल रहा था 48,075. आप देखेंगे प्राइस 12:30 पे यहाँ पे था, 1 बजे के करीब यहाँ पे था और प्राइस एकदम नज़दीक में गया और इसका हाई था 48,173. इसका प्रीवियस हाई 171 था, ये 173 का हाई था और टाइम क्या था 1:15 और उसके बाद क्या हुआ ये उसको सरपास नहीं कर पाया और गिर गया नीचे. कहाँ गिर गया, करीब करीब यू नो 200 पॉइंट की गिरावट हुई. तो एक छोटा सा ट्रेड अच्छा सा ट्रेड यहाँ पे था बिकॉज इट जस्ट हॉल्टेड राइट देयर फॉर्मिंग अ स्मॉल डबल टॉप हियर. आप देखेंगे यहाँ पे मैंने क्लियरली मेंशन किया था कि अगर आप सेफ ट्रेडर हैं आप बाय करेंगे कब, 48,171 निकलने के बाद ही बाय करने का है, राइट. और हमारा यही सब टारगेट होगा. और अगर आप रिस्क ट्रेडर हैं तो आप नीचे बाय कीजिए जितना नजदीक हो इस बॉटम के 47,851 के. तो आज का जो बॉटम है वो 47,851 के अगर आप देख सकते हैं और ये गिरावट हुई करीब करीब 100 पॉइंट का गैप है बस, ये जितना नजदीक हो वहां नजदीक आपको खरीदना था. और हमें इंतजार है कल के सुबह का बेसब्री से कि कैसा मूव होता है. अगर तो ये गैप अप होता है और ये करीब करीब 162% ट्रैवल कर जाता है तो ये इंपल्सिव वेव काउंट करार दे दिया जाएगा ऑन अ स्मॉल डिग्री. सो इट इज वेव वन वेव टू एंड पॉसिबली हमें 48,500 के करीब, हमारा जो पहला टारगेट है 48,450, ये गैप अप में पूरा हो सकता है या नज़दीक में हुआ गैप अप हुआ या नीचे हुआ नज़दीक में और रैली कर गया. तो आप जरूर पार्टिसिपेट करिएगा, बट हाँ याद रखिएगा 48,170 के ऊपर ही ट्रेड होना चाहिए, 48,170 के नीचे नहीं. नीचे रहेगा तो आप फंस जाएंगे. तो राइट फिर हमें देखना है कि क्या करता है. अगर ये इंपल्सिव वेव काउंट हुआ तो हम इसको वेव काउंट इंपल्सिव तरीके से करेंगे और हमारा 48,500 के ऊपर टारगेट 450-500 का ये जोन बहुत ही इंपॉर्टेंट है. आप याद रखिएगा अगर इसके ऊपर नेक्स्ट सेट ऑफ ट्रेड ओपन होगा जो कि 49,000 का है, 49,000 जो हमारा की लेवल था वहां तक और उसके ऊपर बाकी के टारगेट्स हमने अपने ट्विटर हैंडल पे लिखे हुए हैं. आप जरूर मुझे अपने ट्विटर हैंडल पे फॉलो कीजिए. तो वेव टॉक्स में मेरा ट्विटर हैंडल टॉक्स वेव है. तो आप चलते हैं निफ्टी पे. और चेक करते हैं निफ्टी का. निफ्टी में भी एक कमाल का ट्रेड था 22,499. वाओ इजंट दैट अमेजिंग. 22,500 हमने कहा था कि अगर ऊपर होगा तो ये कैसे मूव होगा, ये ऐसे मूव हो सकता है, ए बी सी स्ट्रक्चर बना सकता है, ये ए ये बी और ये सी हो सकता है. बट गैप अप ओपन नहीं हुआ, ये एग्जैक्टली नीचे ओपन हुआ और नजदीक में गया 22,500 के. साइकोलॉजिकल लेवल था हमारा, वहीं से घूम गया मार्केट, राइट. अब मुझे ऐसा लगता है कि ये एक
भी करेक्टिव स्ट्रक्चर हो सकता है अगर हम उसको पैरेलल चैनल में इंक्लूड करें तो, यू नो, कनेक्ट द टॉप्स एंड पासिंग फ्रॉम दिस टॉप एंड पासिंग फ्रॉम दिस बॉटम्स. सो आप देख सकते हैं द प्राइसेस हैव स्टार्टेड ड्रैगिंग दिस वे. आप देखेंगे प्राइस ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे चलने लगा. इट वॉज सिंपली एन इंडिकेशन दैट इट कुड corrective, it is not impulsive. That is pretty much clear. This way the prices have started moving. हमारा critical level जो है वो 22,499 है. इसके ऊपर जाएगा तभी हम अब assume करेंगे कि हमारा higher target achieve होगा और इस high को भी cross कर सकता है. So देखिए ध्यान से, अगर आपको नीचे मिलता है बाय करने के लिए तो बाय कीजिए, बट नीचे बहुत इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस रहेगा और आप ऊपर के टारगेट्स को देख सकते हैं. और ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्रिटिकल लेवल होगा 22,499, और उसके बाद हम आएंगे संडे को, देखेंगे, रिव्यू करेंगे. धन्यवाद.